रमा क्या हुआ? क्या हुआ रमा? बुआ जी, ए जीजा भाई, क्या हुआ? अरे बहरिया आइए, रमा बेहोश हो गई है भाई। रमा क्या हुआ? रमा रमा रमा, अरे जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। भीमराव, तुम्हें क्या लगता है? गुरुजी, हर गरीब को रोज कसम खानी चाहिए कि उसे मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन वो अमीर बन सके। हर मुसीबत में गरीब को लड़ने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, और गुरुजी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगर उसे भूख लगे तो उसे भूलना चाहिए कि उसे भूख लगी है। अपने जीवन में सुख, चैन, आराम, इन सबको हटाकर संघर्ष भर देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। भूखे भजन न हो गोपाला, ले धरी तेरी रमा। ए रमा, रमा, ए रमा, का हो गया क्रके? पता नहीं, सुबह नाश्ता तो किया था, पता नहीं क्या हुआ। कितना कहते कि ढंग से खाया कर, लेकिन नहीं सुनती ही नहीं है। वैसे ही ये कमजोर है, खाना नहीं खाएगी तो ऐसे ही होगा, जोर जबरदस्ती खिलाया करो इसे। हे डलिया अम्मा, पानी छिड़को ना थोड़ा। हाँ, आ गया आ गया, होश आ गया। उठ, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या क्या हुआ था, गिर कैसे गई तू? एक रोटी तुम्हारी और दो वो भीम कालेज खाकर जाता है। ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। दीदी अभी भी भूख लगी है, ये रोटी खिलाओ ना। पता नहीं, शायद चक्कर आ गया होगा बुआ। चक्कर? आप सब जाइए, मैं ठीक हूँ। ख्याल रखो अपना। हाँ हाँ जाओ। चल अंदर, चल आराम कर। चल चलो बच्चों अंदर, चलो चला जा अंदर, आराम कर। रमा देखो, मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि तुम भूख से मरो। इसलिए मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम भीम को समझाओ कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई काम धंधा ढूंढे, ताकि इस घर में दो पैसे आए, उससे तुम और तुम्हारे भाई बहन अच्छे से खा सके और भीम भी भूखा ना रहे। सोचो इस पर। जो आदमी पार्क में भी जाकर पेड़ पौधे, फूल, झूला या फिर लोगों को ना देखकर बस किताबें या गुरुजी के पास रहते हैं, उनसे पढ़ाई छोड़ने की बात करके मैं पाप नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ भीम? नहीं कुछ नहीं गुरुजी। भीम, तुम झूठ बोलते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा मुंह भी सूखा सूखा सा लग रहा है, और पढ़ाई में तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। क्या बात है, कोई परेशानी है? वो
खाना नहीं खाया हूं। रमा के भाई बहन को घर लेकर गया तो नहीं आई, नाराज हो गए और फिर उन्होंने। समझ गया, बात यह है तुम कमाते नहीं हो इसलिए सबको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ तो। लेकिन चलो आओ। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद ही दिन का करी गिने स्वाति बूंद किया। रमा खाएगी क्या? देख तेरे पसंद की सब्जी बनी है। ये आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। वो भूखे होंगे, मैं कैसे खा सकती हूँ? नहीं अम्मा आप खा लो। अरे खाया पिया कर बेटा, मैं तो ऐसे ही तू गिरेगी रोज बेहोश होकर। हाँ अम्मा। हे भूख, तूने मुझे आज बहुत परेशान किया है। रुक, तुझे अभी बांधती हूँ। गुरुजी हम ये कहाँ आ गए? ये मेरा घर है, आओ। ये भीमराव है। भीमराव अंबेडकर? हाँ। अब जो उसकी जाति का पहला विद्यार्थी है जिसने मैट्रिक अव्वल नंबरों से पास किया। हाँ हाँ वही। आओ ना। आओ, चलो। निकल बाहर यहां से। चल, जल्दी पानी ना करो, पूरी दुकान शुद्ध कर दी। चलो। अरे संकोच मत करो, ज्योतिबा फुले के अनुयायी हम जात पात नहीं मानते, और इससे भी अच्छी बात है कि हमारी पत्नी भी इन चीजों को नहीं मानती है। सावित्रीबाई फुले की भक्त है वो। आओ अंदर आओ। यशस्वी भव। संकोच मत करो, आओ आओ भीम, यहाँ बैठो। बैठो? नहीं ठीक है। बैठो, वहां बैठो। हम अभी आते हैं। ये घर इंसानों का है कि किताबों का? बहुत अच्छा लड़का है, भूखा है।
ये सब तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अच्छा इंसान है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? सोचिए, जिसकी पत्नी वहां पर भूखी है वो आदमी यहाँ पर बैठकर खाना खाएगा? और हाँ, खाने से पहले अगर उसे अपनी पत्नी की याद नहीं आई तो आज के बाद उसे इस घर में दोबारा मत लाइएगा। चलिए। आ बेटा। गुरुजी ये सब ले लो। नहीं नहीं गुरुजी, ठीक है। अरे ठीक है, आओ। बैठो। लो। खाओ। खाओ बेटे। आधी रोटी मेरी और आधी तुम्हारी। मैं ये नहीं खा सकता गुरुजी। क्यों, क्या हुआ? गुरुजी, घर से निकलने से पहले मैंने एक रोटी के दो टुकड़े किए, आधी मैंने खा ली और आधी मेरी पत्नी रमा को खाने को दी। अब मुझे पता नहीं गुरुजी कि उसने वो आधी रोटी खाई होगी या फिर उसके भाई बहन को खिला दी होगी, लेकिन जो भी है उधर वो भूखी होगी तो मैं यहाँ बैठकर ये खाना नहीं खा सकता। आप ये खाना मुझे बांध के दीजिए ना, मैं इसे घर जाकर रामा के साथ खाऊंगा। दिन भर हम दोनों ने भूख बांटी है तो ये खाना भी बांट कर ही खाएंगे। बेटा तुम खा लो, तुम्हारी पत्नी के लिए मैं रसोई से दूसरा खाना बांध कर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझसे अकेले से नहीं खाया जाएगा। सुनिए, ये खाना ले जाइए और दोनों का खाना इकट्ठा बांध कर भीम को दीजिएगा। जी अभी लाती हूँ। भीम, आज तुमने और एक परीक्षा पास कर ली। परीक्षा? मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। भीम, परीक्षाएं केवल किताबी शिक्षा की नहीं होती है, जीवन में भी व्यक्ति रोज कई परीक्षाओं से गुजरता है। गुरुजी, मेरी आई हमेशा कहती थी कर्तव्य निर्वाह ही प्रेम होता है। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी आई, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना और हाँ जैसे हो वैसे ही रहना। लो। गुरुजी, लो। चलता हूँ गुरुजी। सुनिए, आपको जब भी मौका मिले ना इसे घर लाया कीजिए, मैं इसे खुशी खुशी खाना खिलाया करूंगी। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। बहुत अच्छा है। तरकीब सही है,
सोमू और छोटू को बुलाकर गोटी खेल लेती हूँ। ध्यान भटक जाएगा तो भूख पता नहीं चलेगी। सोमू छोटी, सोमू छोटी। रमा वो दोनों अभी बाहर खेल रहे हैं। अरे ये तुम कहो तो मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी हम जेठानी देवरानी की तरह कहाँ रहते हैं, हमेशा तो तुम मेरी सहेली और छोटी बहन की तरह ही रहती हो। हाँ चलिए दीदी खेलते हैं। धीरे हाँ ये लीजिए, पहले आप खेलिए। खेलिए। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना, पर तुम भी तो समझो, तुम्हें ऐसी हालत में देख के मुझे और आई को भी अच्छा तो नहीं लगता होगा। दीदी मैं ठीक हूँ, आप खेलिए ना। यही तो ठीक नहीं है, पति पत्नी में दोनों को जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। तुम निभा रही हो या भूखी बैठी हो, और वो वह विद्यालय में आराम से पढ़ रहे होंगे, क्या पता कुछ खा पी भी लिया होगा। वो सब छोड़िए ना, खेलिए ना। खेल ही बन जाओगी, यही समझाना चाहते हैं तुम्हें मैं भी और आई भी। तुम समझो बचपन से भीमबाव ऐसे ही है, किसी की कोई फिक्र नहीं, हर चीज के लिए गैर जिम्मेदार। बचपन से किसी की सुनी ही नहीं इस घर में, और वही तुम्हारे साथ भी कर रहे हैं। देखो रमा मैं भी एक औरत हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, पति अगर गैर जिम्मेदार मिल जाए तो जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन रमा का पति गैर जिम्मेदार नहीं है भाभी, मेरी प्राथमिकता है दूसरी है, इसलिए गैर जिम्मेदार लगता हूँ। रमा खाना लाया हूँ, खा लेते हैं। तुम्हारा जिम्मेदार पति खाना लाया, खा लो। भाभी ये लो, आज मैं बगीचे में, ये क्या है, हाथ हटा, ये कपड़ा क्यों बांध के रखा है। वो कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा था इसलिए। अच्छा झूठ कब से बोलने लगी हो रमा, गीला कपड़ा बांधने से भूख कम लगती है इसलिए बांधा है ना। ये लो आओ। आप रहने दीजिए मैं खोलती हूँ। खाना खा लेते हैं। ये खाना कहाँ से लाया? ये केलुस्कर गुरुजी के घर से। आपने खाया? तुम्हें भूखा छोड़कर मैं खाना खा सकता था क्या? आओ खाते हैं।